खबर होशंगाबाद से। योद्धा वो है जो रणभूमि में साहस का प्रमाण दे। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना योद्धा कहकर जिन्हें संबोधित किया गया ठीक है, लेकिन संघर्ष के दौरान साहस दिखाने वालों में कुछ नाम अछूते रह जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम माया बाई सीपर, जो साड़ियां सफाई अस्पताल में कार्यरत है, जिनका मानदेय मात्र 1,000 रुपए है और अस्पताल के अतिरिक्त वो साड़ियां घाट के शमशान घाट पर लगभग 25 सालों में सफाई करती आ रही है। कोरोना महामारी के दौरान उनका योगदान तो बड़ा लेकिन किंतु मानदेय नहीं। आज भी सिर्फ मासिक 1,000 रुपए की राशि में अपनी सेवाएं अस्पताल और घाट को देती हैं। हाँ, बताइए माता जी। बोलो। धीरे धीरे। अस्पताल में मैं काम करती हूँ, 1,000 रुपये मिलता है। अभी मैडम आती, शोभना मैडम, उनने रखा है मेरे लिए, और कुछ नहीं मिलता है। और इधर उधर से सफाई करके आती हूँ, तो इधर घाट पे करती हूँ सफाई, शमशान घाट की करती हूँ, नहीं मिलता है। जी, आपने बताया समतान घाट में कितने साल से कर रहे हैं आप सफाई? 25 साल। अभी पिछले 2 साल कोरोना महामारी के दौरान समतान घाट पर जब अति मैंने करा है सब, समतान घाट तो कोरोना काम कर रहा है, सब कर रहा है महामारी में। तो प्रशासन आपने ध्यान नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। कैसी क्या लाशें जलती थी यहाँ पर? अरे बहुत लाशें जलती थी, 50-50, 100-100 लाशें जलती थी। तो जो परिवार मतलब अंत्येष्टि के लिए आते थे वो कुछ सहयोग करते थे? वो आते ही नहीं थे ना। आते ही नहीं थे, वो नहीं लेते थे। नहीं लेते थे। तो उसका आपको कोई सेवा अलग सहयोग मानदेय वगैरह कुछ नहीं दिया प्रशासन? कुछ नहीं दिया। आप अपेक्षा रखते हैं कुछ की कुछ मिले? आपने किसी को सूचना करी पंचायत में या कहीं? पंचायत से तो अभी नहीं मिले हमें कुछ भी। आपने बताया उनको? तो खुद देखते हैं दिन रात। उसके बाद भी कोई सेवा नहीं? कोई सेवा नहीं। फिर जीवन यापन केवल वही 1,000 रुपए अस्पताल? हाँ, बस। अस्पताल में कुछ मिलता है अलग से, कोई परिवार वगैरह वाले दे जाए? नहीं, परिवार नहीं है, वो तो हमारे जीजी के लड़का है, वे लगे तो बस। अच्छा। हाँ। अबे तो बहन के हैंगे तो अगल के हैंगे, हम अगल है, मौसी है हम उनकी। नहीं तो अस्पताल से कुछ 1,000 रुपए के अलावा ऊपर की राशि मिलती है? नहीं मिलती कभी, वो होते हैं कुछ डिलीवरी मिलीवरी आती है, 20-25 रुपए मिलते हैं ऐसे। बस यही राशि? हाँ, बस यही। कितने लोग हैं आपके परिवार में? तो हम, मेरी 2 लड़कियां हैं और मैं हूँ, बस 3 जने हैं परिवार में। अच्छा। खबर भारतवर्ष के लिए होशंगाबाद से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।